मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सब गौर करें कि आज दुनियावी इल्म जो पीछे है, मुसलमान आज एजुकेशन में पीछे हैं, नॉलेज हासिल करने में पीछे हैं, उनका जज्बा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। जिस किताब के अंदर अल्लाह ताला ने बार बार कहा कि अल्लाह की निशानियों के ऊपर तुम गौर करो, तफक्कुर करो, आज हम उस चीज में बहुत पीछे हो गए हैं। इंडिया की मिसाल ले लीजिए कि सचर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक इस कंट्री के सबसे पिछड़े हुए तबके से भी पीछे मुसलमानों का हाल है एजुकेशन में। मुसलमान एजुकेशन में क्यों पीछे हैं, क्यों हम इतने पीछे रह गए? जिस नबी की तालीम यह है कि दुश्मन को भी टीचर बना रहे हैं, वो नबी की उम्मत ही आज इल्म के मामले में इतना ज्यादा पीछे हैं। सिर्फ दीनी ही नहीं, दुनियावी भी। दीनी इल्म में तो बिल्कुल ही जहालत है, और लोग तो बोलते हैं भाई हम जाहिल ही अच्छे हैं। ये बहुत अफसोस की चीज है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हकीकत में जहालत एक बहुत बुरी चीज है इस्लाम में। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 67 है, उन्होंने कहा औऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं जाहिलों में से ना हो जाऊँ। अल्लाह सुब्हानहु ताला ने कुरान में सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 35 में कहा फला तकुनन्ना मिनल जाहिलीन, हरगिज जाहिलों में से मत बनना। जहालत इस्लाम में बुरी चीज है, इल्म हासिल करना अच्छी चीज है, बल्कि मुसलमानों के लिए फर्ज है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान पर। इमाम इब्न अब्दुल बर ने अपनी किताब जामे बयान अल इल्म इस हदीस को जमा किया, इसकी तहकीक सही अल जामे में हदीस सही सनद से है। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बात यहां यह है कि सब इल्म हमारा इल्म है। अब कोई बच्चा जब इल्म हासिल कर रहा है स्कूल में, कोई स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, हो सकता है आप कह रहे हैं कि मेरी पढ़ाई के दिन तो खत्म हो गए, तो हम कहते हैं नहीं खत्म हुए, सीखते रहो। इस्लाम ने सीखना सिखाया है, एजुकेशन में अपने आप को आगे बढ़ाओ, नॉलेज में अपडेट करो। क्या कर रहे हो आप, कौन सा काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सीखो उस बिजनेस में क्या और नॉलेज हासिल कर सकते हैं, सीखो उसे हासिल करो। क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, क्या ऐसी कोई टेक्निक है, क्या कोई मैनेजमेंट मार्केटिंग का कोई मेथड आया हुआ है? हर इल्म जो बेनिफिशियल है, नफे वाला है, हमारा इल्म है। हाँ, इस्लाम के कायदों से जो टकराएगा, जो कुरान और हदीस के इल्म से टकराएगा, जो इल्म हमें सिखाएगा कि चीटिंग करो, जो इल्म हमें सिखाएगा कि झूठ बोलो, हमारे उसूलों से टकराता है, ये हमारा इल्म नहीं है, ये नफे वाला इल्म नहीं है, हमें नहीं चाहिए इल्म। हमें चीटिंग करने नहीं सीखना है, चीटिंग के मेथड्स नहीं सीखना है, हमें इस्लाम से जो चीज ना टकराए सब कुछ हमारा है। कुरान की आयत है सूरह नहल की सूरह 16 आयत नंबर 43, अल्लाह ताला ने कहा फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, पूछो इल्म वालों से अगर तुम्हें नहीं पता। और यही आयत सूरह अल-अंबिया सूरह 21 आयत नंबर 7 में भी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनें, अल्फाज पर गौर करिए। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि सिर्फ दीनी मामलात में जो इल्म वाले हैं उनसे पूछो। पता चला कि हर मैटर में, बिजनेस में, मार्केटिंग में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, कौन है उस फील्ड का ज्यादा माहिर, कौन है उस फील्ड का जानने वाला, पूछो उससे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शिफा उल अय्यी अस्वाल, कि जहालत का इलाज तो सवाल पूछना है, आज करो, पूछो। इल्म हासिल करने से रोकने वाली दो चीजें होती है, एक चीज होती है हया, आदमी बताना नहीं चाहता कि मुझे नहीं मालूम है, और दूसरी चीज होती है तकब्बुर, घमंड, जिसके अंदर वो अपने आप को इतना ग्रेट समझता है, बोले तुम मुझे सिखाओगे। तो दोनों चीजें बुरी है, सीखो। हया दीनी मामलात में अच्छी है, लेकिन इल्म हासिल करने के मुतालिक इस्लाम ने यही सिखाया कि हया बीच में ना आए इल्म हासिल करने में। तो एक इंसान को बताने में बुरा लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, ऐसे नहीं बनना है, पूछो उस फील्ड के कौन माहिरीन है, कौन से एक्सपर्ट एडवाइस हमें मिल सकती है, हम वहां से हासिल करें। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो यहां हमारा पहला पॉइंट है कि आप जिस किसी फील्ड में है, रिलीजियसली दीनी एतबार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो बद्र की जंग की मैंने जो मिसाल बताई, इससे यह बात साबित शुदा है कि वो फील्ड का इल्म हासिल करो, वो फील्ड में आगे बढ़ो। आप क्या कर रहे हो, कौन से फील्ड में हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, प्रोफेशन में हो, अब आप आगे बढ़ना चाहते हो तो नॉलेज हासिल करो, उससे आगे के फील्ड की नॉलेज हासिल करो। आप प्यून हो तो मैनेजर के पास क्या नॉलेज होनी चाहिए, हासिल करो। एजुकेशन के ताल्लुक से यह मत सोचो कि अब हो गई मेरी पढ़ाई, बस 20-22 साल तक पढ़ाई का एज होती है, उसके बाद पढ़ाई नहीं हासिल कर सकते। ये किसने सिखाया, ये एज किसने सेट किया है? भाई आप अगर 70 साल के हो गए हो तो भी कुछ सीख सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि ये सब करने के अंदर आखिरत को भूल जाएंगे और यही मकसद बन जाएगा। वो बात तो मैं पहले ही वाजे कर चुका हूं, वो गलती में नहीं पढ़ना है,
लेकिन इस्लाम ने नॉलेज को अपडेट करने सिखाया है और आज दुनिया में आगे बढ़ने का यही मामला और यही टेक्निक है। हम देखते हैं कि बहुत सारे मुसलमान ऐसा समझते हैं, बोलते हैं अल्लाह देगा, अल्लाह देगा तो अल्लाह ने नबी को भी तो भेजा ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह सिखाएगा अंसार के बच्चों को, इनको पढ़ने लिखने तो आता नहीं है, तो अल्लाह ही देगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिस्टम बनाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कैदियों को कहा सिखाओ इनको और फिर आजादी मिलेगी तुम्हें तुम्हारी। पता क्या चला कि अल्लाह तो देगा, लेकिन अल्लाह ताला कोई चीज बंदे में देखता है तो देता है। अल्लाह के यहां भी ये सिस्टम है और इसके ताल्लुक से वाज़े दलायल मिलेंगे आपको कुरान और हदीस में। आज ये हो गया है कि वेस्टर्न वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गया है। हम देखते हैं कि मुसलमान ममालिक उनके ऊपर डिपेंड है, सीखो मुझे हमें सिखाओ, कहां हो भाई, वो भी सीखने का जज्बा नहीं है। एक बार होता कि पेमेंट करके उनसे सीख लो फिर खुद आगे बढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं है मामला। हम देखते हैं कि इससे बिल्कुल ऑपोजिट कहानी थी पहले। ये देखते हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को लेकर आए और कुरान और हदीस की बातें जब हुई आम, तो ये देखा जाता है कि वो पीरियड जब यूरोप कंपैरिजन में डार्क एजेस में था, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर्स, मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम थिंकर्स कुरान की आयतों से इंस्पायर हुए। कुरान की वो तमाम आयतें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कुरान में 24 जगहों पे अल्लाह ने कहा है अफला ताकिलून, अकल नहीं इस्तेमाल करोगे, इस्तेमाल करो भाई, स्विच ऑफ मत करो अकल को। या जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में कहा अफला ततफक्करून, क्या तुम लोग गौर नहीं करोगे। अल्लाह ताला ने कहा अफला तुबसिरून, ये देखोगे नहीं। उसी तरह अल्लाह ताला ने कहा अलम तरा, क्या तुम लोग ये देखते नहीं हो, कुरान में 16 जगहों पे है। तो हम ये देखते हैं कि ये तमाम चीजों से इंस्पायर होकर मुस्लिम साइंटिस्ट सब गौर करते गए, देखते हैं, सोचते गए, यहां तक आके दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरीज उस पीरियड में मुस्लिम साइंटिस्ट ने दी। इसके बहुत सारे दलाल है, इंशाल्लाह आप मेरे कुरान और साइंस के ताल्लुक से मेरा जो लेक्चर है उसके सवाल जवाब में देख सकते हैं। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सवाल यहां पे ये है कि इस्लामिक वर्ल्ड डेवलपमेंट के पीक पर था, इस्लाम ने दुनिया को तरीका बताया डेवलपमेंट का, लेकिन आज मुसलमान जब इस्लाम से दूर हुए, कुरान और हदीस से दूर हुए, तो दुनियावी तौर पर भी पिटने लगे। ये हमारे लिए अफसोस की चीज है। तो पहला पॉइंट है एजुकेशन हासिल करना, नॉलेज हासिल करना, सब बेनिफिशियल इल्म हमारा इल्म है। डिवाइड करने अल्लाह के वास्ते बंद करो। हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ दुनियावी इल्म हासिल करेंगे, कुछ लोग हैं जो सिर्फ दीनी इल्म हासिल करेंगे। हालांकि सब इल्म हमारा है, सबसे अहम इल्म सबसे पहले, सबसे अहम इल्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन बाकी सब इल्म भी हमारा है। वो हासिल करने से इस्लाम हमें रोक नहीं रहा है, ये नहीं कह रहा है कि नहीं ये उन लोगों का पराया इल्म है, ये हमारा नहीं है, ये भी हमारा है। आप ये बात को इंशाअल्लाह हम सब अपनी जिंदगी में अमल करें तो आपको दुनिया का भी भला इस चीज में मिलेगा। दुनिया में कामयाबी पाने का दूसरा पॉइंट, और वो है अल्लाह पर भरोसा करना, लेकिन साथ साथ में जरिए भी इख्तियार करना। हम इस ताल्लुक से दो टाइप की गलतियां लोगों में पाते हैं। पहली गलती ये होती है कुछ लोगों की कि वो लोगों को सिर्फ जरियों पे भरोसा होता है, अल्लाह को तो भूल जाते हैं वो लोग। उन्हें ये दिखता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह पे भरोसा नहीं है ना, तो वो चीज अधूरी है। क्यों? क्योंकि हमें कामयाबी तब मिलती है जब अल्लाह पर हम भरोसा करना सीखते हैं। जरिए इख्तियार करो लेकिन भरोसा अल्लाह पर करो। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह तलाक में सूरा नंबर 65 आयत नंबर 3, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, अगर कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफी होता है। अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह को ये चीज बहुत पसंद है, अल्लाह ताला पे मामलात को छोड़ते हैं, अल्लाह ताला इस चीज को बहुत पसंद करता है। हम देखते हैं कि जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते वो लोग स्ट्रेस वाली सिचुएशंस में टूट जाते हैं। जिंदगी तो नाम है भाई उतार चढ़ाव, उरूज और जवाल का। जिंदगी के अंदर बिल्कुल स्मूथ सेलिंग स्टोरी किसी की नहीं होती है, स्टोरी के अंदर अप्स एंड डाउन्स, हिकअप्स लगे रहते हैं। ये है जिंदगी, जिंदगी इसी चीज का नाम है। अब इसके अंदर अगर किसी का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ है तो उसे बहुत इत्मीनान और सुकून रहता है, उसके दिल को बहुत साबित कदमी रहती है, उसके दिल में स्टेडफास्टनेस रहती है, वो अपने मकसद पे फोकस्ड रहता है अगर वो अल्लाह से उसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं जो कहते हैं मेरा भरोसा अल्लाह पर है, अल्लाह पर भरोसा है, लेकिन जरिए इख्तियार ही नहीं करते हैं। वो कुछ उस ताल्लुक से जो जरिए होते हैं जो हमें इख्तियार करना होता है वो कुछ करते ही नहीं है। मैं इन लोगों के लिए दो हदीसें बताना चाहता हूं
दोनों हदीसें तिर्मिदी की हदीस है, सही सनद से मिलती है। पहली हदीस में आता है कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्नकुम तवक्कलू अलल्लाही हक तवक्कुलिही, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो जैसा कि उस पर भरोसा करने का हक है, जैसा कि भरोसा करना चाहिए, लरुज़िक्तुम कमा युर्ज़िकुत्तैर, अल्लाह तुम्हें वैसे ही रिस्क दे देगा जैसा परिंदों को रिस्क देता है। तकदू खिमासन व तरूखु बिताना, जब वो परिंदे घर से निकलते हैं खाली पेट होते हैं, घर में वापस आते हैं पेट भरा हुआ होता है। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर भरोसा करने सिखाया, लेकिन यहां जो मिसाल दी वो मिसाल दी परिंदों की। परिंदे घर से निकलते हैं ना तो खाली पेट होते हैं, वापस आते हैं तो पेट भरा हुआ होता है। पता चला कि जब वो घर से निकले तो खाली पेट होता है, रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह है। उनका भरोसा किस पर है? अल्लाह पर है। लेकिन घर से निकल रहे हैं ना, घर में बैठे बैठे हौसले में बैठे बैठे नहीं कहते हैं अल्लाह रिस्क देने वाला है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिसाल से ये बात वाजे कर दी कि जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं उन्हें भी घर से निकलना होगा, कोशिश करनी होगी, जद्दोजहद करना होगा, जुस्तजू करना होगा। एक और इससे वाज़े हदीस है सुनन तिर्मिदी में सही सनद से, आता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आराबी ने, एक बेडोइन अरब, एक बद्दू ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकिलुहा व तवक्कलू, क्या मैं अपने ऊंट को बांध दूं और भरोसा अल्लाह पे करूं, या औ उतलिकुहा व तवक्कलू, या आजाद छोड़कर अल्लाह पे भरोसा करूं? तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब क्या दिया? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल सिर्फ ऊंट को बांधने के मुतालिक नहीं है, अगर आप गौर करें तो इस मसले के मुतालिक ये एक मनहजी सवाल है, मेथोडोलॉजी का सवाल है कि हमारा तरीकेकार क्या होना चाहिए। कि मिसाल के तौर पर मैं ऊंट को खुला छोड़ूं और कहूं कि अल्लाह पे भरोसा है, मेरा भरोसा है ना, तो बांधना क्यों है, बांध क्यों रहे हो, अल्लाह पे भरोसा है नहीं है, या खुला छोड़ूं और अल्लाह पे भरोसा करूं, या बांधूं और अल्लाह पे भरोसा करूं? बहुत पॉइंट का सवाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल का जवाब वाजे कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आकिलहा व तवक्कल, ऊंट को बांध दो और भरोसा अल्लाह पर करो। पता चला कि ऊंट को बांधना है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स जॉब की तलाश में है, बोले अल्लाह ही जॉब देने वाला है, यकीनन कोई शक नहीं, मेरा भरोसा अल्लाह पर है, यकीनन सही किया आपने, लेकिन क्या आपने ऊंट को बांधा? बोले ऊंट तो नहीं है मेरे पास, ऊंट की बात थोड़ी हो रही है, बात आपके जॉब की हो रही है। अब यहां पे ऊंट आपका जॉब है, कैसे बांधेंगे इस ऊंट को? क्या आप इंटरव्यूज दे रहे हैं? क्या आपने अपना रिज्यूम अलग अलग जगह पर भेजा? क्या आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया? कई सारे जो बांधने के तरीके हैं क्या आपने इख्तियार किया? कोई शख्स बिजनेस कर रहा है, बोले मेरा भरोसा अल्लाह पर है, अल्लाह ही रोजी देने वाला है, यकीनन सही किया आपने, लेकिन क्या ऊंट को बांधा आपने? अब बोले कैसे बांधेंगे? जो भी जरिए है कि भाई बिजनेस के अंदर क्या चीज है, अगर आप दुकान खोल के बैठे हैं तो क्या आपने अपनी पब्लिसिटी की? क्या आपने डिस्प्ले बराबर किया? क्या आप अच्छा गुड्स, अच्छे स्टॉक, अच्छे प्राइस पर रखे हुए हैं? क्या आपने वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी की? जो तमाम जरिए हैं अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने के, क्या आपने वो जरिए इख्तियार किए नहीं किए? कोई स्टूडेंट है, एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत टेंशन हो गया है, बोले एग्जाम में मुझे कामयाबी चाहिए। अब कामयाबी दुनिया में कैसे, हमारा टॉपिक है भाई ये, तो हम बता रहे हैं कि क्या आपने अपने ऊंट को बांधा? क्या आपने सही पढ़ाई की? क्या आपने नेसेसरी डाइजेस्ट और रेफरेंस गाइड्स वगैरह आपने हासिल करके उससे इल्म हासिल किया? क्या आपने इल्म वालों से पूछा? क्या आपने अपने टीचर्स से रابطہ कायम किया? क्या आपने तमाम चीजें जो करनी चाहिए थी एक अच्छे स्टूडेंट को एग्जाम में कामयाब होने के लिए, क्या आपने वो चीजें की या नहीं की? तो ऊंट को बांधा या नहीं बांधा? तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहां पर ये दोनों गलतियों के शिकार अल्लाह के वास्ते ना होइए, क्योंकि इसमें दुनिया का भी नुकसान है, आखिरत का भी नुकसान है। पहली गलती ये है कि जरिए 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 अल्लाह के ऊपर भरोसा ही नहीं है, कुछ अल्लाह का तो नाम कहीं है ही नहीं, तो ऐसा भी गलती में नहीं पड़ना है। हम अल्लाह को भूल के काम नहीं करते। और मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या होता है ना कि जब कोई काम और कोई मिशन और कोई पर्पस सामने होता है तो एक इंसान पर टेंशन आ जाता है, स्ट्रेस होता है। अब उस सिचुएशन में अपने आप से पूछो, क्या मैंने अपने ऊंट को बांध दिया या नहीं बांधा? क्या मुझे जो स्टेप्स लेने थे मैंने ले लिए या नहीं लिए? ले लिए, क्या क्या करना था सब कुछ कर लिए, अब टेंशन मत लो, अब अल्लाह पे छोड़ो, अल्लाह पर भरोसा करो। और अल्लाह ताला पे बंदा जब छोड़ता है ना तो अल्लाह को इतना पसंद है, अल्लाह कहता है फहुआ हसबू, अल्लाह कहता है मैं ही काफी हूं तुम्हारे लिए, अब अल्लाह कहता है आई एम इनफ फॉर यू।
तो अल्लाह पर छोड़ना अल्लाह को पसंद है, इंसानों का ऑपोजिट मैटर है। इंसानों को बोलते हैं ना चलो ये चीज़ का टेंशन तुम लो, तो लोग कहते हैं भाई हर चीज़ का टेंशन मैं लूँ, तो इंसानों को टेंशन लेना पसंद नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला पे जब छोड़ते हैं ना अल्लाह को पसंद है, ये इबादत है, ये दिल की इबादत है कि जिसके अंदर इंसान ने सब करना था कर लिया ना, मैंने जो बांधने का था मैंने स्टेप 1 2 3 4 5 सब बांध दिया, मैंने अपने बिजनेस को या अपने प्रोफेशन को या अपनी पढ़ाई को या अपने काम को उस मकसद को क्लियरली जैसे बांधना था सब कुछ कर लिया, अब टेंशन क्यों लिए हुए हो? अल्लाह पे छोड़ो ना, तुम टेंशन लोगे, तुम करने वाले हो, तो भूल गए क्या कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, नहीं है कोई हरकत ना कुव्वत सिवाय अल्लाह की तरफ से। हरकत और कुव्वत नहीं होती, एक पत्ता तक नहीं पलटता सिवाय अल्लाह की मर्जी से। तो फिर वाज़े बात है कि हम टेंशन लेके क्या करें, जब नहीं होता कुछ भी अल्लाह की मर्जी से तो अल्लाह पे ही तो छोड़ो ना। और अल्लाह को बहुत पसंद है ये, अल्लाह इसका बदला देगा, इसका सवाब है, और अगर नहीं करते तो फिर ये गुनाह है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि तमाम मामलात में, तमाम चीजों में जरिए इख्तियार करो और भरोसा अल्लाह पर करो। कितने अफसोस की चीज है कि बहुत सारे दीनदार मुसलमान भी तवक्कुल का ये सही डेफिनेशन भूल जाते हैं। वो ये समझते हैं कि तवक्कुल और जरिए ये एक दूसरे से टकराते हैं, ये एक बहुत अफसोसनाक चीज है, और इस चीज की वजह से हमारे मुस्लिम माशरे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। या तो एक तरफ ऐसे टाइप के दुनियादार लोग हैं जो सिर्फ जरियों की बात करते हैं अल्लाह को भूल जाते हैं, या तो दूसरी तरफ हमें ऐसे दीनदार लोग मिलते हैं जो सिर्फ तवक्कुल की बात करते हैं और जरियों को भूल जाते हैं। हमें चाहिए दोनों, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक है कि जरियों को भी इख्तियार करेंगे और अल्लाह पे भरोसा भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपके सामने वाज़े तौर पर पहुंच गया। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप जो कोई काम कर रहे हैं ना, ये एक बहुत कीमती उसूल है आपके लिए। अल्लाह ताला पर छोड़ना सीखो और जरिए इख्तियार करना सीखो। ये हम तमाम भाइयों बहनों के लिए कुरान और हदीस की अहम रहनुमाई है। तीसरा पॉइंट, अब हमने उस चीज के मुतालिक इल्म हासिल कर लिया, स्टडी करना था कर लिया, और हमने जरिए इख्तियार कर लिए, अल्लाह पे भरोसा कर लिया। अब आइए एक पॉइंट गौर करें जो एक हदीस में प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पॉइंट आउट कराया। ये हदीस इमाम बहकी ने अपनी किताब शोबुल ईमान में जमा किया है, और ये हदीस की सनद हसन है, सही अल जामे में इसकी तहकीक मौजूद है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इग्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, पांच चीजों को गनीमत समझो उससे पहले कि दूसरी पांच चीजें आ जाएं। क्या पांच चीजें? हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत समझो। जिंदा होना आज गनीमत है, इससे पहले कि मर जाओ इस्तेमाल करो, जिंदगी को इस्तेमाल करो, यकीनन सवाब कमाने के लिए इस्तेमाल करो सबसे पहले, जन्नत कमाने के लिए इस्तेमाल करो सबसे पहले, और उसके बाद तमाम जो जायज़ और हलाल चीज़ें जो अल्लाह ताला ने रखी है। क्योंकि मिसाल के तौर पर कोई शख्स अगर अपने रोजी रोटी के लिए मेहनत करता है, ये भी इबादत है, इसके ताल्लुक से भी वाज़ह दलायल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ह हदीस है, तो उसे गनीमत समझो जिंदगी को। देखिए हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कब्रिस्तान में आज दफन है, कुछ नहीं कर सकते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग हैं, तौबा कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं, जिंदगी को गनीमत समझो इससे पहले कि मर जाओ। और ये हदीस अल्फाज की अलग अलग तरतीब के साथ मिलती है, हम ये पांच इस तरतीब से ले रहे हैं। नंबर दो, शबाब का कब्ल हरमिक, जवानी को इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए। जवानी का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब जिस्म में ताकत होती है, बाजुओं में, जैसे कहते हैं बाजुओं में ताकत होती है, खून में गर्मी होती है, तमाम आजा पार्ट्स ऑफ द बॉडी बराबर चलते हैं। अब ये एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर दोनों एतबार से, दुनिया और आखिरत, आदमी ज्यादा से ज्यादा कर ले, आखिरत में अल्लाह की कुर्बत का जरिया इख्तियार कर ले, इबादत कर ले। ये मत बोलो अल्लाह के वास्ते, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं बूढ़े होके इबादत करेंगे, अभी तो जवानी है हमारी। तो हम कहते हैं कि क्या गारंटी लेकर आए हो बूढ़े होने की? बूढ़े होने की गारंटी है क्या? और दूसरी बात यह है, कई बार आदमी जब गुनाह के रास्ते पे चलता है चलता है चलता है तो दिल पे मोहर लग जाती है आखिर जाकर, ताकि बूढ़ा होने के बाद भी कुछ तौबा करने की तौफीक नहीं होती है, नेक अमल करने की तौफीक नहीं होती अगर जिंदगी मिल भी गई तो। तो इबादत कैसी होनी चाहिए? शाब नशाफी इबादत इल्ला, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में उसकी उम्र आगे बढ़ती है, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 50 60, अल्लाह की इबादत में, इसे अल्लाह ताला अपने अर्श के साये में कयामत के दिन रखेगा। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, असल बात है जवानी को गनीमत समझो इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए। तो अभी यहां पे टाइम है कुछ करने का, अब बूढ़े हो जाओगे तब करोगे। तो जैसे अपनी हलाल तौर पर अपनी जायज जरूरतों को पूरा किया जाए,
उसके ताल्लुक से भी कोशिश और जद्दोजहद का वक्त तब है जब आदमी जवान होता है। तो जवानी के टाइम पर ये तमाम चीजें आदमी कर सकता है, कल बूढ़ा होने के बाद करोगे तो नहीं करो। तो हम देखते हैं कि अपनी जायज जरूरतों को पूरा करने के लिए भी जद्दोजहद जो है अपनी एजुकेशन में, अपनी बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, करियर में, ये सब चीजें भी कोशिश करनी है, लेकिन बैलेंस मेंटेन रख के करना। कई सारे लोगों को देखा जाता है तो ऐसा भागते हैं कि सब चीज छोड़ देते हैं, दीनदारी छोड़ देते हैं, इल्म हासिल करना छोड़ देते हैं, दीनी मजलिसों में हल्कों से ताल्लुक रखना छोड़ देते हैं, सुबह से रात उनका एक मकसद बन जाता है। पहले ही मैंने बात वाजे रखी ये बोलने में, अगर कोई इंसान अगर दुनिया को अपना मकसद बना लेता है ना, बेवकूफ है वो इंसान। ये एक आप खुद समझ सकते हैं भाई, इसके पीछे तुम मेहनत कर रहे हो और उसको भूल गए, और जबकि गारंटी भी नहीं है कि बूढ़े होने वाले हो या वक्त बाद में है या नहीं है। तो एक बात तो याद रखेंगे कि हमारा मकसद तो जन्नत है, लेकिन जो कोशिश और जद्दोजहद है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिंदगी को मौत से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले। कितने नौजवान हैं जो नुक्कड़ों पे टाइम पास करते मिलते हैं, अपनी जिंदगी को जाया कर देते हैं, अपनी जवानी के वक्त को जाया कर देते हैं। रियली मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये मुसलमानों के लिए बहुत अफसोस की बात है कि जिस नबी ने सिखाया कि अपनी जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले, काश कि ये लोग अपनी इस जवानी के वक्त को प्रोडक्टिवली यूज करते, काश कि ये लोग अपने आप को एनहांस करने, दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से अपने आप को आगे बढ़ाने, अपने आप को कुछ बनाने के लिए इस्तेमाल करते तो कितना अच्छा होता। कितने अफसोस की चीज है कि टाइम पास कर देते हैं, और आज एक चीज नहीं आ गई, वो है क्रिकेट, और क्रिकेट के पीछे नौजवान इतना वक्त जाया करते हैं, कितने अफसोस की चीज है ये।